This video is brought to you by 5paisa.com. Download the app now. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित कौशिक और आप देख रहे हैं बिजतक। बाजार में हफ्ते के पहले कारोबारी दिन काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला। सेंसेक्स और निफ्टी की शुरुआत तो अच्छी रही, लेकिन दोपहर 1 बजे बाजार में बिकवाली हावी हो गई, लेकिन ट्रेडिंग सेशन के आखिरी घंटे में फिर खरीदारी लौटी। सेंसेक्स 125 अंक बढ़कर 54,403 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 20 अंक की मामूली बढ़त के साथ 16,258 पर क्लोज हुआ। सेंसेक्स के 30 में से 17 शेयरों में मजबूती रही, 13 में कमजोरी देखी गई। रोलेक्स रिंग्स के आईपीओ की बाजार में लिस्टिंग शानदार रही। रोलेक्स रिंग्स का शेयर करीब 39% प्रीमियम पर लिस्ट हुआ। रोलेक्स रिंग्स की लिस्टिंग 1250 पर हुई, जबकि इसका इशू प्राइस 900 रुपए था। इसकी क्लोजिंग लिस्टिंग प्राइस से 6% नीचे यानी 1170 पर हुई। कुल मिलाकर रोलेक्स रिंग्स के आईपीओ में जिन निवेशकों ने दाव लगाया उनको अच्छी खासी कमाई हुई। लंबी अवधि में ये शेयर और कमाई करा सकता है। आज 2 और आईपीओ खुले हैं, कार ट्रेड और नोवो का वेस्टॉस। वीडियो में आगे पढ़ने से पहले आपको बता दें, अब आईपीओ के लिए अप्लाई करना आसान हो गया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से 5paisa ऐप डाउनलोड करें और खोले अपना फ्री डीमेट खाता, वो भी सिर्फ 5 मिनट में। 5paisa के ऐप पर जाकर आप ट्रेडिंग के बारे में काफी कुछ सीख भी सकते हैं, तो अभी डाउनलोड करें। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। कार ट्रेड और नोवोका वेस्टॉस, ये दोनों ही आईपीओ निवेशकों की कमाई कराने का दमखम रखते हैं। कार ट्रेड अपने सेगमेंट की पहली लिस्ट होने वाली कंपनी है। कंपनी का कारोबार भी यूनिक है, कार ट्रेड मुनाफे में भी है। ऐसे में इस आईपीओ में निवेशकों की अच्छी कमाई हो सकती है। वहीं दूसरी ओर नोवोका वेस्टॉस, ये निर्मा ग्रुप की एक सीमेंट कंपनी है। यहाँ लंबी अवधि में निवेशकों की कमाई हो सकती है। पहले दिन दोनों ही आईपीओ में निवेशकों का रिस्पॉन्स थोड़ा ठंडा दिखा। आईपीओ बाजार में रिस्पांस ठंडा रहा, वहीं शेयर बाजार में उथल पुथल देखने को मिली। बाजार को आईटी, प्राइवेट बैंक और मीडिया शेयरों से सपोर्ट मिला। निफ्टी मीडिया इंडेक्स 1% और आईटी और बैंक निफ्टी में 0.5% की बढ़त देखने को मिली। बाजार में आज चढ़ने वाले शेयरों की बात करें तो M&M, एक्सिस बैंक, टेक महिंद्रा, बजाज फिनसर्व और इंडसइंड बैंक शामिल रहे। वहीं गिरने वाले शेयरों की बात करें तो टाटा कंज्यूमर, कोल इंडिया, हिंडाल्को, अडानी पोर्ट्स और भारतीय एयरटेल शामिल रहे। इस वक्त बाजार रिकॉर्ड हाई पर है, ऐसे में निवेशकों को सचेत रहकर खरीदारी करने की जरूरत है। बाजार के जानकारों का मानना है कि बाजार में तेजी लिक्विडिटी की वजह से है। जब तक लिक्विडिटी बनी रहेगी बाजार में तेजी भी कायम रहेगी। ज्यादा लिक्विडिटी के घरेलू कारण कम है, विदेशी ज्यादा है। इसका मतलब है कि बाजार को चढ़ाने में विदेशी निवेशकों का बड़ा हाथ रहा है। अभी दुनिया में कहीं भी लिक्विडिटी की दिक्कत नहीं आने वाली है। इसका कारण है कि दुनिया की सभी इकोनॉमीज का फोकस इस वक्त ग्रोथ पर है। अब निवेशकों को उन सेक्टर्स पर फोकस करने की जरूरत है जहां अभी तक तेजी नहीं आई है, जैसे कि पर्यटन, एविएशन और होटल इंडस्ट्री। ये वो सेक्टर हैं जिन पर कोरोना की सबसे बड़ी मार पड़ी है। अभी तक इन कंपनियों के शेयरों में तेजी कम ही देखने को मिली है। ऐसे में यहां आपकी अच्छी खासी कमाई होने की उम्मीद है, क्योंकि जैसे जैसे वैक्सीनेशन बढ़ेगा वैसे वैसे पर्यटन, एविएशन और होटल कारोबार में भी चमक पड़ती दिखेगी। बिजनेस, शेयर बाजार और आईपीओ की खबरों के लिए देखते रहिए बिजतक। नमस्कार।